नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में जो कि 30 सितंबर 2024 को बंद हो गया था और 1 अक्टूबर 2024 को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा गया है बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ। जी हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरे के लिए, पर हाँ बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। हम बात कर रहे हैं LIC के न्यूली इंट्रोड्यूस प्लान न्यू एंडोमेंट की, जिसका टेबल नंबर पहले हुआ करता था 914, अब हो गया है 714। क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और क्या क्या कंडीशंस में बदलाव हुआ है, मतलब नियम क्या क्या बदले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो प्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो भी नए प्लान है और जो भी LIC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसके बारे में आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट लाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो जैसे ही आप अपडेट क्लिक कर देंगे या नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे आपके पास अपडेट आती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर है 714। तो अब आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है LIC के न्यूली लॉन्च प्लान न्यू एंडोमेंट प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 714। तो जो इसकी इंट्रोडक्शन डेट है वो 1 अक्टूबर 2024। इसका जो कंप्लीट टेबल नेम है वो है न्यू एंडोमेंट प्लान, इसका टेबल नंबर है 914, पहले था 714 हो गया। तो बहुत साइड आपको दिख जाएगा, लेफ्ट साइड पे 914 पुराना वाला प्लान है जिसके बेनिफिट्स और बेसिक डिटेल दिखेगी, राइट साइड पे नए प्लान की। एंट्री एज जो है मिनिमम 8 साल पहले भी थी अभी भी है, मैक्सिमम एज जो एंट्री एज रखी गई मैक्सिमम की वो नए प्लान के अंदर 50 साल कर दी गई, पहले 55 साल थी। वहीं पे मैच्योरिटी 75 ईयर्स मेंटेन करी गई, सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया नए प्लान के अंदर, मतलब अब 1 लाख रुपए का प्लान आपको नहीं मिलेगा। सम एश्योर्ड जो मैक्सिमम रखा गया दोनों ही प्लान दोनों ही ऑप्शन के अंदर नॉन लिमिट है। पॉलिसी टर्म जो है मिनिमम 12 साल और मैक्सिमम 35 साल, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करा गया है। वहीं पे बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो रेगुलर प्रीमियम टर्म अवेलेबल है, मतलब मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड इसके अंदर आपको मंथली मोड के अंदर 15 दिन और बाकी मोड्स के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। वहीं पे मैच्योरिटी सेटलमेंट की बात करते हैं तो मैच्योरिटी सेटलमेंट चाहे आप डेथ क्लेम की बात करें, डेथ क्लेम सेटलमेंट चाहे मैच्योरिटी, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, 5 साल 10 साल 15 साल, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटलमेंट का चुनाव कर सकते हैं। बाकी एडिशनल राइडर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको कुछ राइडर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं आप। क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर हो गया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हो गया, जैसे कि 8 साल की बच्चे से ले सकते हैं प्लान, 8 साल की उम्र से अगर आप बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव जरूर करें। बट हाँ, जो भी राइडर आप चुनाव करते हैं उसका प्रीमियम आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लोन फैसिलिटी की बात करिए तो पहले लोन अवेलेबल था 2 साल बाद, अब लोन अवेलेबल है 1 साल बाद, तो ये बदलाव करा गया है। सरेंडर के अंदर सबसे बड़ा बदलाव करा गया है, जैसे कि लोन अवेलेबल था, सरेंडर अवेलेबल था 2 साल बाद, बट हाँ सरेंडर के अंदर पहले डिडक्शन होती थी इंश्योरेंस वगैरह की, प्लस साथ में बोनस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब नया जो रूल आया है सरेंडर का, उसके अंदर आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू तो मिलेगी मिलेगी, साथ में 1 साल का वेटिंग पीरियड, 1 साल बाद आप गारंटी सरेंडर कर सकते हैं। दूसरा साथ में बोनस जो वेस्टेड बोनस होता है वो भी जरूर मिलेगा इस प्लान में, तो ये बहुत बड़ा बदलाव करा गया इस प्लान के अंदर। फ्री लुक पीरियड पहले 15 दिन था, उसको 30 दिन कर दिया गया, मतलब कस्टमर के लिए बहुत भर भर के बेनिफिट डाले गए हैं। मैच्योरिटी जैसे पहले था, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, वो सेम रहेगा। प्रीमियम जो है मंथली मोड के अंदर अगर आप नेट सेलेक्ट करते तो पहले आपको 1 महीने की किस्त जमा करनी होती थी, फिर 2 महीने से बैंक से कटती थी, बट अगर इनकेस 2 महीने से बैंक से नहीं कटती थी तो उस केस के अंदर कस्टमर को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो LIC ने एक नया रूल अपनाया है, बोल सकते हैं स्टेप लिया है कि 3 महीने की मंथली मोड के अंदर 3 महीने का इकट्ठा प्रीमियम जमा कर देंगे। 3 महीने तक अगर आपका प्रीमियम बैंक से कनेक्ट नहीं होता है, नेट कनेक्ट नहीं होता है, तो उस केस के अंदर आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्वार्टरली कर दी जाएगी, जिससे कि आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको ग्रेस पीरियड तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ में आपको प्रीमियम की भी दिक्कत नहीं होती कि हर महीने की लाइबिलिटी का पंगा आएगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इनकम टैक्स बेनिफिट रिबेट रहेगा अंडर सेक्शन 80C, टैक्स फ्री रहेगा डेथ क्लेम अंडर सेक्शन 1010D और टैक्स फ्री मैच्योरिटी रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। बट हाँ, ये जो भी टैक्स के रिबेट की बात कर रहे हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ रहेगा, जो भी रूल्स रहेगा और कंडीशन रहेगी। अभी आ गए हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर, देखिए प्लान में हमने दोनों ले रखे हैं, पुराना एग्जाम्पल जो अभी बंद हुआ है हाल ही में 30 सितंबर को और ये न्यूली लॉन्च जो हुआ 714। क्या डिफरेंस है, एज 30 साल ले रखी है हमने, 10 लाख सम इंश्योर्ड, 35 साल की पॉलिसी टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 35 साल ले रखा है। ये सब कुछ कॉमन ले रखा है जिससे कंपेरिजन आसान से हो सके। पहले ईयरली प्रीमियम था 28,019 रुपए, अब प्रीमियम आ गया 29,514 रुपए। वहीं पे लाइफ रिस्क कवर जो है 10 लाख 20 लाख सेम रहेगा। टोटल प्रीमियम जो पे करा आपने 30,000 रुपए फालतू पे किया ऑलमोस्ट, उसके बदले में जो मैच्योरिटी मिलेगी मोटा मोटा सेम मिलेगी। तो जो आपको एडिशनल बेनिफिट दिए गए उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, बट वो नेग्लिजिबल है और बेनिफिट ज्यादा आपको मिल रहा है इस प्लान के अंदर।
तो यहाँ पे आके जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करवाना तो भी मेंशन करना जरूर ना भूले, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट्स और फीडबैक पे पर्सनली जरूर ध्यान देती है और उस पर काम जरूर किया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इस प्लान की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो अगली वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।